नमस्कार, प्रणाम, बेलाग, आप सभी को स्वागत है आपका सुजाता किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ देसी तरीके से चिकन। आज हम देसी तरीके से बनाएंगे कढ़ाई में चिकन। तो चलिए मजेदार सा चिकन बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे चिकन को धोकर ले लिया है। चिकन की पीसेस में करेंगे हम कट, इससे मसाला अंदर तक जाए। अब लेते हैं मिक्सिंग बाउल और सारे चिकन के पीसेस को इसमें डाल देते हैं। नमक लेंगे सबसे पहले। मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन लिया है और मैंने इसमें एक चौथाई चम्मच अभी नमक डाला है। तो अब ले रही हूँ मैं यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, एक चम्मच विनेगर। सभी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। चिकन को मिला लिया है, अब हम इसे रेस्ट देते हैं 30 मिनट का। अब करते हैं मसाले की तैयारी। एक चम्मच जीरा, एक चम्मच धनिया दाना, एक चम्मच काली मिर्च, एक चम्मच सौंफ, दो हरी इलायची। अब मसालों को भून लेना है। मसालों को हमने इतना भूनना है जब ये भूनने लगेंगे तो ये खड़े खड़े दिखने लगेंगे और इनमें से खुशबू भी आने लगेगी। मसाले भून चुके हैं, मसालों को निकाल लेते हैं बाहर। अब मसालों को डालते हैं इस गिलास में कूटने के लिए। यहाँ पे लेंगे बेलन और इसे हम कूटते हैं। ऊपर से इस तरीके से हाथ रख लें ताकि मसाले बाहर ना आए। तो मसाला हमने कूट लिया है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 टमाटर। तो टमाटर को हम करेंगे कद्दूकस। मैंने यहाँ पे कद्दूकस लिया है, इससे हम इसे बहुत अच्छे से कद्दूकस हो जाता है, छिलके से पर आसानी से निकल जाता है और ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। टमाटर को घिस लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे मिक्सी में भी टमाटर को पीस सकते हैं, लेकिन घिस कर भी प्योरी से कम नहीं है। कढ़ाई चिकन बनाने के लिए मैंने रख दी है कढ़ाई गैस में। अब लेते हैं हम यहाँ पे सरसों का तेल, यहाँ पे एक चम्मच घी। अब लेते हैं तेज पत्ता, 4 लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 लाल मिर्च, 2 बारीक कटी प्याज। प्याज को भून लेना है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब लेते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसे भी भून लेते हैं प्याज के साथ। घिसा हुआ टमाटर, मिला लेते हैं। टमाटर को तब तक भूनना है जब तक तेल ना छोड़ने लगे। टमाटर तेल छोड़ने लगा है, इतना ही हमें टमाटर को भूनना है। अब डालते हैं इसमें कूटे हुए मसाले, इससे कढ़ाई चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिला लेते हैं मसालों को और अब हम इसमें कुछ मसाले और ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच भर के लेना है धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक लेंगे स्वाद अनुसार। अब लेते हैं एक चम्मच बेसन। सभी मसालों को मिला लेते हैं। अब लेते हैं एक चम्मच चिकन मसाला, सभी मसालों को भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट हमने मसाले को भून लिया है तो अब लेते हैं पानी, मिला लेते हैं। गैस की फ्लेम को बढ़ा लेते हैं और मसाले को अब पका लेते हैं। मसालों को बीच में एक बार चला लेंगे ताकि तले से लगे ना। मसाला अब पक चुका है, देखिए किनारे से तेल छोड़ने भी लगा है। इतना ही हमने मसाले को पकाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिला हुआ चिकन, मैरिनेट चिकन। मिला लेते हैं मसाले के साथ अच्छे से।
चिकन को मिलाने के बाद हम इसे मसाले के साथ 1 से 1.5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1 से 1.5 मिनट मसाले में छोड़ने के बाद पानी मिला लेते हैं। गैस की फ्लेम को अब बढ़ा लेते हैं। अब इसमें उबाल आने देते हैं। उबाल आ गया है, इसे मिला लेते हैं एक बार। अब गैस की फ्लेम को कर लेते हैं हम मीडियम, और मीडियम फ्लेम में हम इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। कवर को हटा के इस बार एक बार हम इसे घुमा लेते हैं, पलट लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बढ़ाएंगे और फुल फ्लेम में हम इसे पकने देंगे। अब हमने गैस की फ्लेम को फुल कर लिया है और वापस से इसे कवर कर लेते हैं। 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसे वापस से कवर कर लिया है। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, तो अब कवर को हटा लेते हैं। 1 चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके डालेंगे, मिला लेते हैं। गैस को बंद कर लेते हैं। तैयार है तो सर्विंग बाउल में से डाल लेते हैं। वैसे तो चिकन को आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप चिकन को देसी टेस्ट की तरह से खाना चाहते हैं तो आप इसे आयरन की कढ़ाई में, यानी कि लोहे की कढ़ाई में ही आप बनाएं। मैंने इसे लोहे की कढ़ाई में बनाया है। देखिए इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और बनाया भी देसी तरीके से है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो आप भी बनाइए, आपको और आपके परिवार में सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और एक बार फिर नई रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।